बच्चों, आज हमने लाइव क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सोना चैप्टर पार्ट 14 सोना, जो कि एक छोटे से मृग शावक की कहानी है। लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय करेंगे। इसमें देखिए, छायावादी के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। गद्य और पद्य विधा पर उनका समान अधिकार था। उनकी यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य कृतियां हैं निहार, नीरजा, सांधे गीत, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि। महादेवी जी का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। आगे इसकी शब्दावली है संबद्ध। संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ। शैशवावस्था बचपन, अरण्य परिवेश जंगली माहौल, रोमंथन जुगाली या पागुर, सदैव प्रसूता उसी समय जन्म देने वाली, सदैव दयालु, धूमिल ना के बराबर, कौतुक उत्सुकता, सभीत। सभीत का अर्थ होता है सहमा हुआ। रुष्ट होना, रूठ जाना, तन्मय मग्न, पिताप पीले रंग का, स्निग्धता चिकनापन, कज्जल कोर काले काले किनारे, स्फुरण संचार, आश्वस्त निश्चिंत। आगे है पाठ की दुनिया में इसके प्रश्न उत्तर। आज ओरल प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सुष्मिता कौन थी? उत्तर लिखेंगे, सुष्मिता लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री थी। क्या लिखेंगे उत्तर? सुष्मिता लेखिका के परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री थी। नेक्स्ट है, सोना किसका नाम था? उत्तर लिखेंगे, सोना एक मृग शावक का नाम था। उसके सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे थे। क्या लिखेंगे? सोना एक मृग शावक का नाम था। उसके सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे थे। ठीक है। थर्ड है, सोना को कौन उठा लाए थे? इसका उत्तर लिखेंगे, सोना को शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके तन से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए थे। सोना को शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके तन से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए थे, जिसका नाम बाद में सोना रखा गया। नेक्स्ट है, अंधेरा होते ही सोना कहाँ आकर बैठा करती थी? उत्तर लिखेंगे, अंधेरा होते ही सोना लेखिका के पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती थी। क्या लिखेंगे? अंधेरा होते ही सोना लेखिका के पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती थी। नेक्स्ट है, गोधुली हेमंत बसंत और फ्लोरा किन किन के नाम थे? उत्तर लिखेंगे, गोधुली बिल्ली, कुत्ते हेमंत बसंत और कुतिया फ्लोरा थी। ठीक है, गोधुली बिल्ली, कुत्ते हेमंत बसंत और कुतिया फ्लोरा थी। लास्ट है, फ्लोरा ने कितने बच्चों को जन्म दिया था? उत्तर लिखेंगे, फ्लोरा ने चार बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, फ्लोरा ने चार बच्चों को जन्म दिया था। तो आपका आज का काम क्या है? आपको लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय करना है, शब्दावली करनी है और इसके ओरल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और कल शाम तक आपको ये वर्क सबमिट करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।